गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम विषय गणित कक्षा एक अध्याय आठ एक से सौ तक संख्याओं को लिखना एवं पहचानना सीखेंगे। तो आइए जानें कि सीखने का प्रतिफल क्या है। एक से सौ तक संख्याओं को पहचानना और लिखना सीखते हैं, यही आज के विषय का सीखने का प्रतिफल है। तो बच्चों चलिए सुनते हैं एक कहानी, रामू काका की कहानी, जो अपने बत्तखों को गिनना चाह रहे हैं लेकिन गिन नहीं पा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं रामू काका की कहानी। रामू काका अपने बत्तखों को गिन रहे हैं लेकिन उन्हें दस्तक ही गिनती आती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले बच्चे मीनू और राजू उनके पास आते हैं और उन्हें पूछते हैं, रामू काका आप क्या कर रहे हो? तो रामू काका उन्हें कहते हैं कि मैं इन बत्तखों को गिनना चाहता हूँ लेकिन गिन नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो दस्तक ही गिनती आती है। तो बच्चे मीनू और राजू उनको कहते हैं कि चाचा आप चिंता मत करो, हम आपकी गिनती में मदद करेंगे। आओ अब कैसे मदद करें? तो 10 के झुंड में चलो बत्तखों को गिने। आओ हम 10 के झुंड में बत्तखों को गिने और दहाइयों में बांटें। यहाँ बत्तखों के 5 झुंड हैं और प्रत्येक झुंड में 10-10 बत्तख दिखाई दे रहे हैं। एक दहाई 10 बत्तख, दो झुंड 2 दहाई 20 बत्तख, तीन झुंड 3 दहाई 30 बत्तख, चार झुंड 4 दहाई 40 बत्तख, पांच झुंड 5 दहाई 50 बत्तख। तो बच्चों यहाँ पर 50 बत्तख हैं लेकिन अभी भी कुछ बत्तख बाकी हैं। चलो उन्हें भी हम गिनते हैं। आओ हम 50 के आगे की गिनती गिनते हैं। 50 और 1 51, 5 झुंड बत्तखों के और एक बत्तख खुला, तो 5 दहाई 50 और 1 मिलकर के क्या बन गए? 51। 50 और 2 52, 50 और 3 53, 50 और 4 54, 50 और 5 55, 50 और 6 56, 50 और 7 57, 50 और 8 58। बत्तखों के 5 झुंड 5 दहाई 50 और 9 बत्तख मिलके हुए 59। अब इसमें एक और बत्तख को हमने मिला दिया तो देखो एक और झुंड पूरा हो गया। अब कितने झुंड हो गए बत्तखों के? 6 झुंड। 6 दहाई 60 बत्तख, 6 दहाई मतलब 60, 59 के बाद क्या आता है? 60। अब कोई भी बत्तख यहाँ पे खुला नहीं है, बत्तखों का झुंड बन गया, इसलिए 6 दहाई 60, 6 दहाई 60 और 2 इकाई 2 बत्तख मिलकर बन गए 62। 6 दहाई 60 और 3 बत्तख मिलकर बन गए 63। 6 दहाई 60 और 4 बत्तख मिलकर बन गए 64। 6 दहाई 60 और 5 बत्तख मिलकर बन गए 65। 6 दहाई 60 और 6 बत्तख मिलकर बन गए 66। 6 दहाई 60 और 7 बत्तख 7 इकाइयां मिलकर बन गए 67। 6 दहाई 60 बत्तख और 8 बत्तख 8 इकाइयां मिलकर के बन गए 68 बत्तख। 6 दहाई 60 और 9 बत्तख मिलकर बने 69 बत्तख। जैसे ही हमने एक और बत्तख को मिलाया हमारा 7वां झुंड पूरा हो गया। अब देखो
कितने ही बत्तख हुए? 7 झुंड बत्तखों के मिलकर बन गए 70 बत्तख। कितने हो गए? 70 बत्तख। 7 झुंड बत्तखों के और उसमें फिर से बत्तख को मिला दिए तो कितने बत्तख हुए? 71 बत्तख। 70 के बाद क्या आता है? 71। 7 झुंड बत्तखों के और उसमें 2 बत्तख और मिला दिए तो कितने हो गए? 72। अब कितने बत्तख हो गए? 72 बत्तख हो गए। फिर एक बत्तख मिला दिए। 7 झुंड 7 × 2 = 70 और 3 बत्तख मिलकर के 73 बत्तख हो गए। फिर आगे एक और बत्तख को मिला दिए तो 7 × 2 = 70 और 4 = 74 बत्तख हो गए। 7 × 2 = 70 और 5 बत्तख मिलाकर हुए 75 बत्तख। 7 × 2 = 70 और 6 बत्तख मिलकर हुए 76 बत्तख। 7 × 2 = 70 और 7 बत्तख मिलकर हुए 77 बत्तख। 7 × 2 = 70। 7 झुंड मतलब 70 बत्तख और 8 बत्तख और मिला दिए तो कितने बत्तख हुए? 78 बत्तख। 7 × 2 = 70 और 9 बत्तख मिलकर के हुए 79 बत्तख। अब 79 के बाद क्या आता है? तो बच्चों 79 के बाद क्या आता है? 79 के बाद एक बत्तख और मिला दिए तो हमारे बत्तखों के 8 झुंड पूरे हो गए। 1 झुंड 1 दहाई अर्थात 10 बत्तख। तो 8 झुंड 8 दहाई अर्थात 80 बत्तख। मतलब रामू काका के पास 80 बत्तख हैं। क्या कुछ और भी बत्तखे हैं अभी गिनने के लिए? नहीं, रामू काका के पास कुल 80 बत्तख हैं। रामू काका के बत्तखों की गिनती हो गई। रामू काका ने दोनों बच्चों मीनू और राजू को धन्यवाद दिया। तभी दादी माँ आई और रामू काका को समझाते हुए बोली, रामू पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, तुम भी आगे की पढ़ाई जरूर करना और आगे से अपने बत्तखों को खुद गिनना। बच्चे अपनी दादी के साथ बाजार चले जाते हैं। बाजार में उन्हें सीता चाची दिखाई देती है जो उनके पड़ोस में ही रहती है। लेकिन सीता चाची बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। बच्चे सीता चाची के पास जाते हैं और पूछते हैं, सीता चाची क्या हुआ? तभी सीता चाची कहती है कि मुझे इन अंडों को बेचना है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे पास कितने अंडे हैं। बच्चे कहते हैं कि चाची आप चिंता मत करो, हम गिनने में आपकी मदद करते हैं। चलो बच्चों एक साथ मिलकर मीनू और राजू के साथ अंडों का 10-10 का समूह बनाएं। आप लोग 80 तक गिनती सीख चुके हो ना? तो चलो हम 10-10 के समूह में अंडों को गिनते हैं। 10 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50, 6 दहाई 60, 7 दहाई 70, 8 दहाई 80। कुल कितने अंडे हुए? 80 अंडे। लेकिन अभी भी अंडे का कुछ समूह बचा हुआ है। आओ आगे के अंडों को गिने और आगे की गिनती जाने। अब 80 के बाद क्या आता है? 80 8 दहाई 80, 80 और 1 अंडा मिला देने पर 81, 80 और 2 अंडे मिला देने पर 82 अंडे, 8 दहाई 80 और 3 अंडे मिला देने पर 83 अंडे, 8 दहाई 80 और 4 अंडों को मिला देने पर 84 अंडे, 8 दहाई 80 और 5 खुले अंडों को मिला देने पर
85 अंडे, 80 और 6 खुले अंडों को मिला देने पर 86 अंडे, 8 दहाई 80 और 7 खुले अंडों को मिला देने पर 87 अंडे, 80 और 8 खुले अंडों को मिला देने पर 88 अंडे, 8 दहाई 80 और 9 अंडों को मिला देने पर कितने हुए 89 अंडे। अब 89 में एक अंडा और मिला देने पर अंडों का 9 समूह बन गया। अंडों का एक समूह 10 के बराबर, 1 दहाई 10, तो अंडे के 9 समूह कितने के बराबर होंगे? 9 दहाई 90। तो 89 के बाद क्या आता है बच्चों? 90। अब अंडों की संख्या कितनी हो गई? 90। लेकिन अभी भी कुछ अंडे बचे हुए हैं, चलो उन्हें भी गिनती करें। 90 के बाद क्या आता है जरा जाने? 9 दहाई 90 और एक अंडा मिला देने पर हुआ 91। 9 दहाई 90 और 2 अंडे को मिला देने पर हुए 92 अंडे। 9 दहाई 90 और 3 अंडों को मिला देने पर हुए 93 अंडे। 9 दहाई 90 और 4 अंडों को मिला देने पर हुए 94 अंडे। 9 दहाई 90 और 5 अंडों को मिला देने पर हुए 95 अंडे। 9 दहाई और 6 अंडों को मिला देने पर हुए 96 अंडे। 9 दहाई और 7 अंडों को मिला देने पर हुए 97 अंडे। 9 दहाई और 8 अंडों को मिला देने पर हुए 98 अंडे। 9 दहाई 90, 9 इकाई 9 अंडे को मिला देने पर हुए 99 अंडे। अब इन 99 अंडों में एक और अंडा मिला दिया तो अंडों के कुल कितने समूह हो गए? 10। 1 दहाई 10 के बराबर, तो 10 दहाई कितने के बराबर? 100 के बराबर। तो सीता चाची के पास कुल 100 अंडे हैं। सीता चाची के पास कितने अंडे हुए? 100 अंडे। अब सीता चाची के पास 100 अंडों की गिनती हो गई, सीता चाची खुश हो गई और बच्चों को धन्यवाद दी। तो चलो बच्चों, हमने क्या सीखा एक बार उसे दोहराएं। 1 दहाई 10, 2 दहाई अर्थात 20, 3 दहाई अर्थात 30, 4 दहाई अर्थात 40, 5 दहाई अर्थात 50, 6 दहाई 60, 7 दहाई 70, देखो कैसे लिखा हुआ है 70, 8 दहाई अर्थात 80, 9 दहाई अर्थात 90, 10 दहाई अर्थात 100। 10 दहाई 100 के बराबर होता है और 100 को हम सैकड़ा भी कहते हैं। एक सैकड़ा, 100 एक सैकड़ा के बराबर होता है। तो बच्चों, आज आपने रामू काका की मदद की, सीता चाची की मदद की, गिनने में बहुत मदद की। तो आज आपको क्या करना है? आपको भी अपने घर जाना है और अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, घर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कंचे होंगे, कंकड़ होंगे और भी कुछ चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को इकट्ठी करनी है और क्या करना है? उन्हें गिनना है। गिनने के साथ साथ लिखने का भी प्रयास करना है और सभी को अपने साथ दोहराने के लिए कहना है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।